देख रहे हैं डीजीएनए न्यूज़। मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं आज दिनभर की खास खबरों की तरफ। म्याना के मणिमाता मंदिर पर चढ़ाया गया 600 ग्राम चांदी का छतर। आगामी 18 तारीख को चैत्र नवरात्र एवं हिंदू नववर्ष का आगमन है। नवदुर्गा आने से पहले ही म्याना में धूमधाम प्रारंभ हो चुकी है। माँ के दरबार में श्रद्धालु पेड़ भरते हुए पहुंचे। साथ ही बैंड बाजों की धुन के साथ नाचते हुए माँ के दरबार में रामकुमार ओझा ने छत्र चढ़ाया। रामकुमार ओझा ने बताया कि माता जी की कृपा से हमारी मनोकामना पूर्ण हुई है, जिसके बाद ये छत्र चढ़ाया गया है, जिसके साथ ही एक जुलूस म्याना चौराहे से प्रारंभ होकर प्रमुख मार्गो से होते हुए माता जी के मंदिर में पहुंचा। से हमारे सहयोगी सत्येंद्र तिवारी की रिपोर्ट। मां कर्मा जयंती के महोत्सव पर निकाली गई शहर में शोभा यात्रा। शहर में साहू समाज द्वारा मां कर्मा देवी महोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। एक विशाल चल समारोह शहर के मुख्य मार्गों से निकला। इस आयोजन में समाज के विभिन्न आयु वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया। जुलूस में सबसे आगे की तरफ महिलाएं और बालिकाएं सर पर कलश लेकर चल रही थीं। वहीं पीछे रथ में सवार मां कर्मा देवी का चित्र चल रहा था। हरिचरण जी सोनी को अखिल भारतीय मेड़ छत्री स्वर्णकार समाज के प्रांतीय मीडिया प्रभारी बनाए जाने पर समस्त राधोगढ़ स्वर्णकार समाज ने आभार व्यक्त किया है और बधाइयां दी हैं। राधोगढ़ स्वर्ण समाज के अध्यक्ष संतोष सोनी, कल्याण सोनी, पप्पू सोनी, गिरिराज सोनी, महेश सोनी, संतोष सोनी, घनश्याम सोनी, कोमल सोनी, भरोसा सोनी, श्रीनिवास सोनी, संजय सोनी, मनोज सोनी, तेज चंद सोनी, रमेश सोनी, प्रदीप सोनी, तेज चंद सोनी, रमेश सोनी आदि ने बधाइयां दी हैं। मैं इस दिए गए दायित्व को पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी के साथ निर्वाह करूंगा। भारत माता की, अजमेर जी की, अजमेर जी की। राधोगढ़ से हमारे सहयोगी कमलेश सैनी की रिपोर्ट। आज इंदौर में संत शिरोमणि श्री नामदेव जी महाराज और शिव परिवार की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया गया, जिसमें नामदेव समाज की आन बान शान फिल्म अभिनेता गोविंद नामदेव समाज के कार्यक्रम में उपस्थित हुए और बहन रेखा नामदेव के अलावा भी मध्य प्रदेश के कई जिलों से नामदेव समाज के लोग सम्मिलित हुए। इसके बाद कार्यक्रम में मुख्य अतिथि फिल्म अभिनेता गोविंद नामदेव ने अपने उद्बोधन में अपने और संत नामदेव के जीवन का परिचय के बारे में विस्तार से बताया और सिलाई कला बोर्ड के अध्यक्ष सुनील माहेश्वरी ने अपने उद्बोधन में नामदेव समाज के लिए कई अन्य घोषणाएं की तथा अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए बात भी कही। लाइन बना ले श्री रमेश जी नामदेव, श्री मनीष नामदेव, तालियां बजती रहना चाहिए, श्री गणेश नामदेव, सब करो श्री अन्ना है। अरे फूलों ने अमृत का जाम भेजा है, तारों ने गगन को सलाम भेजा है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ श्री नरेंद्र जी लाल का और उनकी टीम का, जिन्होंने
मुझे ये सौभाग्य दिया कि मैं यहाँ मूर्ति के अनावरण के लिए था। हमारे सहयोगी शिवम नामदेव की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश वन कर्मचारी संघ ने आज कलेक्टर राजेश जैन को सौंपा ज्ञापन। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने अपनी मांगे भी शासन के सामने रखी। कलेक्टर राजेश जैन की अनुपस्थिति में अपर कलेक्टर शिवानी रायपुर ने मध्य प्रदेश वन कर्मचारी संघ का ज्ञापन लिया और उन्हें आश्वासन दिलाया कि उनकी मांगों को शासन तक जरूर पहुंचाया जाएगा। अपनी विभिन्न मांगों में प्रमुख रूप से मांग पुलिस और राजस्व के समान वेतन दिया जाए और साथ ही बंदूक होने के बावजूद भी बंदूक चलाने की अनुमति नहीं है। इसके साथ ही वर्दी भत्ते की मांग भी उन्होंने की है। अब देखना यह होगा कि प्रदेश के मुखिया जो पहले से ही कई अलग अलग संघों के प्रदर्शन की मार झेल रहे हैं अब इन वन कर्मियों को क्या आश्वासन देंगे या फिर इनकी मांगे पूरी होंगी। शासन से भरोसा हो जाए कि ज्ञापन कौन जाएगा हमारा। नहीं मेरा मतलब आप अपने तरफ इस्तीफा दे दें। प्रदेश जिला मुख्यालय पे मुख्यमंत्री के नाम जिलाधीश के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया गया है। इसमें हमारी सबसे प्रसंग चीज यह है कि हमारे को पुलिस और राजस्व के समान वेतन मान की मांग रखी है। दूसरा हमको शासन ने बंदूकें दे दी लेकिन बंदूक चलाने का हमको अधिकार नहीं है। तीसरी मांग हमें कर्मचारियों पर जो जंगलों में नुकसानी हो जाती है वो शासन वन कर्मचारियों से वसूल करती है जबकि पुलिस में कहीं चोरी हो जाती है तो पुलिस कर्मियों से वसूली नहीं होती। चौथी मांग हमारी मांग है कि वन कर्मचारियों को महाराष्ट्र सरकार की भांति 5,000 रुपये प्रति भत्ता दिया जाए और 13 महीने का वेतन जो पुलिस में मिलता है वो हमें वन कर्मचारियों को दिया जाए। हमारा वन कर्मचारी सभी 24 घंटे लगातार वन अंचलों में दूर कड़कड़ाती ठंड में घनघोर वर्षा में काम करने के बाद हम कर्मचारियों का प्रदेश सरकार की ओर से विगत 20 साल से चली आ रही मांग है हमारी लंबित है। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता पहुंचे जनसुनवाई में। जागरण मंच के जिला अध्यक्ष दीपक रजक ने बताया कि किस तरह से भूमाफियाओं ने वंदना कॉन्वेंट के पीछे सक्रिय हैं और अपनी सक्रियता के चलते उन्होंने नाले की सरकारी जमीन बेच खाई है। आपको बता दें कि इससे पहले भी कई बार इन भूमाफियाओं के बारे में शासकीय अधिकारियों से शिकायत की जा चुकी है। इसके बाद भी न जाने क्यों अधिकारी मौन है। शायद इनका यह मौन स्वीकृति ही इन भूमाफियाओं के हौसले बुलंद करती है। शहर में केवल वंदना कॉन्वेंट ही नहीं कई और जगह भूमाफियाओं ने अपना कब्जा जमा रखा है। अब देखना ये होगा कि हिंदू जागरण मंच की इस मुहिम के बाद प्रशासनिक अधिकारी अपना मौन तोड़ेंगे। जागरण मंच द्वारा वंदना कॉन्वेंट स्कूल के पीछे पटवारी हल्का नंबर 61 में जो कि खसरा खतौनी में आज हमने पूरी नकलें निकाली है। इसमें सरकारी नाला और शासकीय भूमि दिख रही है लेकिन कुछ भूमि माफियाओं ने उस पूरी सरकारी जमीन और नाले को प्लॉट में तब्दील करके बेच चुके हैं और सरकारी शासकीय खजाने को नुकसान पहुंचाया है। इसमें हिंदू जागरण मंच द्वारा ये मुद्दा उठाया गया है। इसमें हमने तहसीलदार SDM महोदय को आवेदन दे चुके हैं और आज हम जनसुनवाई में कलेक्टर महोदय को आवेदन देने आए।
चाचौड़ा थाना अंतर्गत आज एक महिला पहुंची जनसुनवाई में। महिला का आरोप है कि सेक्रेटरी और एक रमेश नाम के व्यक्ति ने उसके पति के नाम से आई कुटीर के पैसे फर्जी तरीके से निकाल लिए हैं, जिसकी शिकायत उक्त महिला ने फतेहगढ़ थाना में एक माह पूर्व करती थी, जिसके बाद भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। इसी की शिकायत को लेकर आज महिला पहुंची जनसुनवाई में। महिला की माने तो रमेश ने 40,000 रुपए जो कि उसके पति के नाम से आए थे फर्जी दस्तावेज के मार्फत निकाल लिए। जब महिला रमेश से पैसे मांगने गई तो उसने उसको धमकी दी कि तुझे जेल करवा दूंगा। अब देखना ये होगा कि महिला की शिकायत पर किस तरह से प्रतिक्रिया जिला प्रशासन लेता है। मेरे पति के नाम से पुठिया आई थी, मेरे पति के नाम से आधार कार्ड किताब रखी जी थी मैं घर पे, मैं चली गई थी मजदूरी करने राजस्थान में, और मेरी लीला बाई के हाथ से रमेश आया घर पे लेके जा आधार कार्ड किताब ले जा, उसने ले जाके सेक्रेटरी बलवान को दिया, उसने दूसरा से खड़ा करवा के पैसा निकाल लिया 40,000 रुपया। उसने आधार कार्ड किताब अभी तक मुझे नहीं दी और सात महीना के ले जा किताब आधार कार्ड अभी तक मुझे दी, मैंने मांगी जब भी नहीं दी, मेरे को बोला कजा, मैंने बोला कजा मैं रिपोर्ट करूँगा तुझे नहीं दे रहा, तो उसने बोला कजा तू रिपोर्ट करिया मुझे क्या करेगा, मेरे बारे भी का जमीर हो नौकरी लग रही कुछ नहीं करेगा मेरा, ऐसे बोला मेरे को ऐसे धमकी दी। मैंने जाके एक तल्ला करी थे, एक महीना आ गया 22 तारीख को एक तल्ला करी। कितना पैसा निकाल लिया? 40,000। अभी तो आपने आवेदन दिया क्या कहा अंदर? मैं थाने में फतेहगढ़ थाने में एक महीना आ गया मेरे को 22 तारीख की मैंने आवेदन दी, कुछ नहीं होया। अभी मैंने यहाँ गुना पे आई और उसने बोला फोन लगा कि आ जाओ तेरे पैसा की तेरी कुठिया का पैसा आ जा निकालने के लिए आ जाओ। मैंने बोला मेरी बस्सी बीमार है साहब, मैं बाद में आऊँगा पैसा निकाल दूंगा। उसने बोला कि नहीं आऊँगा मादर साहब, दूसरा से अंगूठी करवा लूँगा और तेरे को जेल जाना पड़ेगा, ऐसे बोला था मेरे को। जेतपुरा से ग्रामीण पहुंचे जनसुनवाई में लेकर अपनी परेशानियां। ग्रामीणों की माने तो उनके ग्राम में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, ना ही शौचालय बने हैं, ना ही बीपीएल कार्ड और ना ही पानी की निकासी, और पीने के पानी की व्यवस्था भी नहीं है। इन सभी मांगों को लेकर आज जनसुनवाई में ग्रामीण पहुंचे। ग्रामीण इससे पहले भी कई बार शिकायतें कर चुके हैं लेकिन आज तक उनकी शिकायतों का कोई निराकरण नहीं हुआ, मिलता है तो सिर्फ आश्वासन। हमारे यहाँ एक तो शौचालय बिल्कुल भी किसी का नहीं बना, दूसरी बात सड़क से परेशान है, रोड से, जो आदिवासी आदमी है, जो हरिजन आदमी है, रोड से रास्ता है बिल्कुल रास्ता बंद कर दिए। दूसरी बात पानी की समस्या है, तीसरी पानी बिल्कुल कहीं से नहीं मिल रहा है इनको, तीन चार किलोमीटर दूर से इनको पानी लाना पड़ रहा है, लाइट नहीं आ रही 8-8 दिन तक, नल एक भी नल नहीं चल रहा, और बीपीएल परमिट किसी का नहीं है, थोड़ी बहुत बने हुए हैं, पहले के बन रहे थे, सरपंच सेक्रेटरी सर सेक्रेटरी ने रखे हुए हैं, या तो मैंने घुमा के रख दें कितम रख दें, जाते हैं तो पैसे मांगता है किन कुछ बोलता है। पानी की समस्या, शौचालय नहीं बनी किसी की, कोठी नहीं बनी, परमिट नहीं है और रास्ता भी नहीं है घूमने के लिए रोड से। गाँव में हमारी बस्ती यही कम से कम 45-40 घर, ये मैं इतनी परेशानी आ रही बहुत सब चीज़ की, कुछ भी नहीं मिला आप लोग, कुछ भी नहीं है, नहीं मिला अभी तक, लाइट की व्यवस्था बिल्कुल कुछ भी नहीं है। शिकायत पंचायत में तीन गाँव, तीनों गाँव में से दो गाँव में बढ़िया व्यवस्था सब कर चुकी। बनवाड़ी हाट से ग्रामीण सरपंच की शिकायत लेके पहुंचे जनसुनवाई में। ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच ने द्वेष के चलते नल का कनेक्शन कटवा दिया, जबकि ग्रामीण हर माह बिल का भुगतान समय पर करते हैं। जब ग्रामीण सरपंच के पास पहुंचा तो सरपंच ने उसकी पत्नी के साथ अश्लील गाली गलौज की और साथ ही ग्रामीण की भी जमकर पिटाई की, जिसकी शिकायत लेकर आज ग्रामीण जनसुनवाई में पहुंचा। नल कनेक्शन काट दिए सरपंच ने, अभी बन रहा है क्यों मन से हर महीने बिल जमा कर रहा फिर भी काट दिया, तो आपने पूछा नहीं क्यों काटा? साहब मेरे को धक्का दे दिया और जहाँ गार्डवान कर दी, क्या कर दी गार्डवान करी जाए लेडीज को। अच्छा,
और मैं गया तो मुझे धक्का वक्का मार दिया। हाटखेड़ी निवासी युवक आज जन सुनवाई में पहुंचा। जब उसने अपनी परेशानियां बताई तो उसे सुनकर सभी सकते में आ गए। उसका आरोप है कि उसकी 20 बीघा जमीन पर किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से एक अन्य व्यक्ति को SBI की बमोरी ब्रांच ने लोन कर दिया। इसके साथ ही एक ट्रैक्टर का लोन भी इसकी जमीन के ऊपर है, जबकि यह जमीन इस व्यक्ति की है। जब इसने SBI के मैनेजर से बात करना चाही कि किसके नाम से यह लोन है, तो SBI के मैनेजर सही से जवाब नहीं दे पाए। आपको बता दें कि पूरा मामला जब सामने आया, जब इस युवक ने खसरे की नकल तहसील से निकलवानी चाही, जैसे ही खसरे की नकल इसके हाथ में आई तो युवक को पता चला कि इसकी जमीन के ऊपर तो पहले से ही लोन है, वह भी इसके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम से नहीं है। मजे की बात तो यह है कि बैंक ने जिस व्यक्ति को लोन दिया है उसके कोई भी कागजात बैंक के पास मौजूद नहीं, सिवाय लाइट के बिल के। एक आम आदमी को जब बैंक लोन दिया जाता है तब बैंक के द्वारा उससे कई तरह के दस्तावेज मांगे जाते हैं, जिनके आधार पर ही बैंक लोन स्वीकृत करता है। लेकिन यहाँ तो सिर्फ एक बिजली के बिल के दम पर एक ट्रैक्टर और KCC के नाम पर लाखों का भुगतान बैंक ने अनजान आदमी को कर दिया। अब युवक परेशान होकर इधर उधर घूम रहा है। पर मेरी जमीन अटाखेड़ी में जिसपे 20 साल से KCC ट्रैक्टर और वो चल रहा है, लोन चल रहा है 20 साल से, और आज तक बैंक के पास ना तो उसका कोई पहचान पत्र है, ना राशन कार्ड है, ना आधार कार्ड है, और आज तक वो SBI बंधित आज भी लिखा रहा है खतरे पर। तो आप अब मैं क्या कोर्ट से केस फाइनल होने बाद मेरा नामांतरण नहीं हो पा रहा उस जगह पे, बैंक से कह रहे हैं आपको कब पता चला कि आपकी जमीन मैंने खसरे से नकल निकलवाई है, उस पर SBI बंधित लिखा हुआ है उस पर। आपने ऐसा कुछ नहीं लिया? मैंने कुछ भी नहीं लिया। कहाँ रह गया? ट्रैक्टर का मामला क्या है ये सर? इस पर बैंक से इसी जमीन पर, मेरी जमीन पर MP 08 3022 इस नंबर का ट्रैक्टर फाइनेंस हुआ है, जबकि इस नंबर का ट्रैक्टर कोई है ही नहीं है, ना इस नाम का कोई आदमी है। ये ट्रैक्टर किसने लिया क्या, ये बैंक इसका जवाब नहीं दे रही है कुछ। RTO में गया तो इस नंबर का कोई ट्रैक्टर है नहीं है, और इस पर ऋषिपुत्र कुंभ सिंह ना रहा है, इतना तो बमोरी क्षेत्र में इस नाम का कोई आदमी है। पिपरौदा खुर्द से आज निवासी जन सुनवाई में अपनी शिकायत दर्ज कराने आज देखा गया कि जन सुनवाई में अधिकतर मामले कुटीर से संबंधित ही आए हैं। वहीं रहवासियों की माने तो सेक्रेटरी और सरपंच कुटीर सेक्शन होने के बाद भी उन्हें कुटीर निर्माण के लिए पैसा नहीं दे रहे हैं। ग्रामीणों को आरोप है कि सरपंच कुटीर के नाम पर यह कह रहा है कि जिस जगह पर कुटीर बननी है वह सरकारी जमीन है, वहाँ पर कुटीर का निर्माण नहीं हो सकता। जबकि ग्रामीणों की माने तो वहाँ पर नल एवं बिजली के कनेक्शन हो चुके हैं, उसके बाद भी उनका कुटीर का निर्माण नहीं करवाया जा रहा। हालांकि जिलाधीश ने उन्हें आश्वासन दिया है कि आज शाम तक इनकी समस्या का निराकरण कर दिया जाएगा। समस्या जो है कि हमारी कुटी आ गई और सरपंच सेक्रेटरी जगह रहे, कुटी नहीं दे रहे तुम्हारे लिए, जहाँ पे दूसरी जगह दी जाएंगे। क्यों नहीं, जगह खरीदो, सरकारी जगह है कहीं। अच्छा हाँ। तो अभी कलेक्टर साहब से मिले? हाँ, कलेक्टर साहब से मिले, बिना जगह दे ही, अब देख लेंगे जगह, आज शाम तक ही क्लियर कर लेंगे कुछ भी का होता है। हमारे जगह बोल चाहिए साहब, हम तो बस जगह में रह रहे हैं, नल भी लग गए, लाइट भी लग गई और बोर भी सरकारी लग चुके। गुना क्रिकेट अकादमी को मिली समाज सेवी ओएन शर्मा से खेल संसाधनों की सौगात। विगत 20 वर्षों से चली आ रही गुना क्रिकेट अकादमी में संसाधनों की कमी की वजह से गुना की कई खेल प्रतिभाएं उभर कर सामने नहीं आ पा रही। इन प्रतिभाओं को उभारने के संकल्प लेते हुए समाज सेवी ओएन शर्मा ने अकादमी के बच्चों के लिए निःशुल्क किट वितरण किया। इसमें उन सभी सामानों को दिए गए जिनसे बच्चों की प्रतिभाएं दिनों दिन निखर कर आ सकेंगी, साथ ही क्रिकेट खेलने के लिए उन्होंने उपयोगी सभी संसाधन उपलब्ध कराए हैं। कल देर शाम आयोजित हुए इस कार्यक्रम में समाज सेवी ओएन शर्मा ने करीब 40 बच्चों को क्रिकेट किट उपलब्ध कराई हैं। एकेडमी के किट्टू तिवारी ने बताया कि गुना क्रिकेट अकादमी को 2 कोच की व्यवस्था भी करा रहे हैं, जिससे बच्चों की प्रतिभाओं को निखारा जा सके। और हमारे हॉकी संघ से चौबे जी, खेलुवा कल्याण, शिवराज भाई, उधर देखो सब लोग। गुना नगर के अंदर जिले के संपूर्ण जिले के लिए गुना क्रिकेट एकेडमी का जो गठन किया था उसके तहत पहले अभी अंतर्राष्ट्रीय एक मैच अपने यहाँ हो चुका है, और उस मैच के साथ में सबसे मूलभूत जो उसकी जड़ों में काम करने का काम है वो है ये समर कैंप के द्वारा भी 2 महीने चलेगा। उसके बाद में हम चाहेंगे कि ये साल भर अनवरत कुछ समय के जैसे वीक में 2 दिन ऐसा चलता रहे,
इसके लिए संपूर्ण व्यवस्था चाहे कोच से लेके सामान से लेके वो आधुनिक इस तरीके से ये बच्चे प्रतिभा बने तो ये आगे चल के अपने जिले का नाम करें, गांव अपने शहर का नाम करें, गांव का नाम करें और आगे चल के अपने प्रदेश और देश के लिए भी खेलें, ऐसे मेरी प्रार्थना है। इसी के लिए आज से शुरुआत है। गुना क्रिकेट अकेडमी का जो हमारा मिशन है और जो मेरे अध्यक्ष महोदय आज से नहीं 4 महीने से टूर्नामेंट के पहले से बता चुके हैं, तो उनका जो विज़न है ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहर की जो प्रतिभा हैं उन्हें एक नेशनल स्टेट या डिवीज़न लेवल तक ले जाना और उनकी प्रतिभाओं को निकालना। हमारा जो मुख्य लक्ष्य है यहाँ पर सामान बांटने के साथ साथ उन प्रतिभा को जो यहाँ पर खेल से वंचित रहती हैं या उनके पास जो इक्विपमेंट्स नहीं होते ट्रेनिंग के फिटनेस के उनको वो सुविधा मुहैया कराना, वो इन शर्मा जी का मकसद था जो आज उन्होंने बखूबी आप लोगों के सामने यहाँ पर देखा कि पूरी तरह से किट और यहाँ तक कि गुना क्रिकेट अकेडमी के लिए उन्होंने विकेट भी तैयार करवाई। विकेट के साथ साथ जो पूरे काम हो रहे हैं जो आज से पहले 17 सालों में मैं समझता हूँ 18 साल मेरे को गुना क्रिकेट अकेडमी को चलाते हो गया, काफ़ी आए काफ़ी चले गए, लेकिन मैं समझता हूँ अपने पूरे जीवन काल में मेरे को भी 22 साल इस अकेडमी को चलाते चलाते हो गया, लेकिन इस वक्त ओएन शर्मा जी के माध्यम से बच्चों को मैं जो सिखा रहा हूँ और जो मेरे को साधनों की आवश्यकता पड़ती है तो आज जो ओएन शर्मा जी मेरा साथ दे रहे हैं तो आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। सर आज यहाँ कितने बच्चों को इक्विपमेंट्स बांटे गए हैं और ये क्या क्या इक्विपमेंट्स इसके अंदर हैं? इसमें आपकी ड्रिल मशीन्स हैं, आपके कैंडिडेटर हैं जो आपके फिजिकल ट्रेनिंग में काम आते हैं और इस ट्रेनिंग का हमारा जो दो मकसद है इसमें 4 कोचेस भी प्रोवाइड किए गए हैं, 2 सुबह 6 से जो सेशन चलता है 6 से 9 का और 4 से 7 का, इसमें 2 कोचेज भी अपॉइंट किए गए हैं। कितने बच्चों को? इसमें कम से कम हम 130 से 140 बच्चे पूरे 2 महीने के कैंप में खिलाएंगे हम। डीजीआना न्यूज में आज बस इतना ही, कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।